हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बनाने वाले हैं चिकन टिक्का, वो भी बिना तंदूर के। लेकिन जो टेस्ट और फ्लेवर है ना, वो आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे ही मिलेगी। और बाहर से ना आपको कोई भी सामान लाना नहीं पड़ेगा, जो घर में पड़ी है ना चीज़ें, आप उसी में से इसको बना पाओगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पियाली और आपका स्वागत है मेरी चैनल पियालीस किचन में। चलिए फिर फटाफट से रेसिपी को देख लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए पियालीस किचन चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो सबसे पहले हम चिकन ले लेंगे। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम तक का चिकन ली है और उसको मैंने इस तरह से पतले पतले स्लाइसेस की है, ज़्यादा मोटा मैंने नहीं रखा है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच जितना अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद हम इसमें डालेंगे दही, और दही में ना आप कोशिश करना दोस्तों कि इसमें कम से कम पानी हो, मतलब कि पानी का मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो, आप कोशिश करना। और इसको ना फेंट के डालना। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे नमक, तो अपने स्वाद के अनुसार में नमक हमने डाल दिया है। 1 छोटा चम्मच जितना हम यहाँ पे डाल देंगे गरम मसाला पाउडर। 1/2 छोटा चम्मच हम डालेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर ज़्यादा डालने से ना ये जल जाएंगे। तो कलर के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। रेस्टोरेंट वगैरह में तो कलर डालते हैं दोस्तों, अगर आपको कलर डालना है तो आप डाल सकते हो, मुझे कलर नहीं डालनी है इसीलिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। थोड़ा सा कसूरी मेथी इस तरह से हाथों से क्रश करके डाल देना, इससे फ्लेवर बहुत बढ़िया मिलता है। और यहाँ पे डालनी है सरसों का तेल। 3 से 4 छोटा चम्मच जितना मैंने यहाँ पे सरसों का तेल डाला है। और बस कुछ नहीं करना है, इसको अच्छे से मिला लेना है हाथों से। आप चाहो ना तो थोड़ा सा नींबू का रस भी इसमें डाल सकते हो। और इसको मिलाने के बाद ना 1/2 घंटे के लिए इसको साइड में रख देनी है मैरिनेट होने के लिए, ताकि ये अच्छे से अंदर तक सॉफ्ट हो जाए। 1/2 घंटा हो चुका है दोस्तों, ये देखो इतने मैरिनेट होके बिल्कुल रेडी है। तो अभी चलिए चलते हैं इसको गैस की तरफ लेकर। गैस पे मैंने एक पैन गरम करने के लिए रख दी है और उस पर मैं ले रही हूँ तेल। आप ना यहाँ पे कोई भी तेल ले सकते हो, मैं यहाँ पे सरसों का तेल नहीं ले रही हूँ। और तेल को हम सबसे पहले अच्छे से गर्म कर लेंगे और उसके बाद इसको कर देंगे मीडियम फ्लेम पे। और उसके बाद एक एक करके चिकन के पीसेस को हम इसमें डाल देंगे। आप कोशिश करिएगा कि एक के साथ एक जुड़ी हुई ना हो। तो फ्लेम मैंने फिलहाल मीडियम पे रखा है, मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसको पकाना है दोस्तों। इसको पलट पलट के आपको पकानी है। अब बोनलेस चिकन क्या होता है दोस्तों, बहुत ही जल्दी पक जाती है, लेकिन थोड़ा सा ना ये डार्क ब्राउन कलर आपको लानी है, नहीं तो ना वो टिक्के वाली फीलिंग ना आपको आएगी ही नहीं। तो ये देखो, ये दिख रहा है ना टिक्के जैसा, लेकिन अभी ना ये अच्छे से पकी ही नहीं है। तो नीचे से ना थोड़ा सा तेल ऊपर तक आपको ब्रश कर देनी है। अब ये देखो, ये दोनों साइड अच्छे से पक चुकी है। एक एक साइड आपको पकानी है 5 से 7 मिनट तक, और उसके बाद साइड कर देना। और बीच में से एक जगह करके ना यहाँ पे एक कटोरी रख देनी है, और उसमें डालना है ये जलता हुआ कोयला। और इसका जो बाद का पार्ट है ना, वो बहुत जल्दी करनी है दोस्तों। घी डालने के साथ ही आपको इसे बंद कर देनी है, ताकि घी डालने के बाद ये जो धुआँ निकल रहा है ना, ये सारा का सारा धुआँ ना अंदर ही रहनी चाहिए। तभी आपको जो वो टिक्के वाली फीलिंग होती है ना, जो तंदूर वाला, वो ना ये सारे के सारे टिक्के में ना आ जाएगी। जब तक ये धुआं रहती है, रहने दीजिए। और उसके बाद ढक्कन खोल के इसको बाहर निकालना है आपको। सबसे पहले ये कटोरी बाहर निकालना, और उसके बाद ये चिकन के पीसेस जो है वो एक एक करके बाहर निकालनी है। और बस गर्मा गर्म इसको सर्व करना है दोस्तों, तभी जाके टिक्के का मज़ा आएगा। आप चाहो तो थोड़ा सा नींबू का रस भी इसके ऊपर से डाल सकते हो, थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हो। ये ना सिर्फ दिखने में टिक्के जैसा नहीं लग रहा है दोस्तों, इसका जो टेस्ट है ना, वो बिल्कुल रेस्टोरेंट के टिक्के जैसा ही आपको मिलेगी, मैं आपको बता रही हूँ। आप एक बार घर पे इसको ज़रूर ट्राई करना, और मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके वाले जो टिक्का है वो कैसे बने हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके साथ और भी शेयर कर सकूँ। और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।